नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंका जा चुका है और इसको लेकर नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च है, यानी कि परसों। उससे पहले जदयू और भाजपा ने अपने अपने कोटे से कौन कौन उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के लिए उसका चयन कर लिया है, नामों की घोषणा भी कर दी है। एक तरफ जहाँ जेडीयू की ओर से रामनाथ ठाकुर और हरिवंश प्रसाद सिंह का नाम आगे किया गया है, वहीं बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर, जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, उनका नाम आगे किया गया है। जरा सुनिए, जब आरजेडी की तरफ से पूछा गया कि कौन राज्यसभा जा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं कि भाजपा में जाने को कैसे देखते हैं? अब देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है, इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। अमित शाह ने आज ये कहा है कि दिल्ली दंगे में 52 भारतीय मरे, हिंदू मुसलमान नहीं मरे हैं। क्या 52 जो मरे हैं वो भारतीय हैं? कहाँ पे? दिल्ली के दंगों में। और इसका पोलिटिलाइजेशन नहीं, दंगों में इंसान मरते हैं और मेरे ख्याल से इंसान की मौत हुई है और इंसानियत के खातिर कम से कम जहर बोने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दंगा फसाद जो भी होता है, इससे नुकसान जो है देश का हो रहा है और अमन चैन का वातावरण बना रहे, ये सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। धर्म के आधार पे या जात के आधार पे राजनीति अब बंद होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, राज्यसभा के लिए सभी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, आपकी पार्टी कल था जब नॉमिनेशन होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले हालांकि राष्ट्र अध्यक्ष इसके लिए अधिरिक्त किए गए हैं, अब उनका जो निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होगा, कल हो जाएगा, हो सकता है उम्मीद कल। पटना में पोस्टर्स लगाए गए हैं बड़े, क्या चीज का? एक महिला है जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट, हमने ध्यान नहीं दिया। आपने सुना, दिल्ली हिंसा पर या फिर राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने साफ अपनी प्रतिक्रिया रख दी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उसके लिए अधिकृत किए गए हैं, जब नॉमिनेशंस की अंतिम तारीख होगी उससे पहले ही सबको बता दिया जाएगा। हालांकि खबरें कई सारी निकल के आ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं इन बातों की कि क्या जो पहले से राज्यसभा के सांसद हैं उन्हें मौका दिया जाएगा, हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद गुप्ता की, या फिर एक और नाम जो निकल के आ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक नेता को टिकट दिया जा सकता है। इन सभी नामों की चर्चाएं हो रही हैं, बीच में राबड़ी देवी की नामों की भी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन बहुत सारे नामों के बीच में तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि नामांकन की तिथि से पहले ही बता दिया जाएगा और जब परसों नॉमिनेशन है तो थोड़ा सब्र रखिए, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। आरजेडी की ओर से कौन जा रहा है राज्यसभा, इसको लेकर उत्सुकताएं जो है बढ़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल भी है। जेडीयू और बीजेपी ने तो अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से कौन आगे जाएगा, क्योंकि साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, थोड़े दिन बाद विधान परिषद के भी चुनाव होंगे। आज तेजस्वी यादव बड़े दिनों के बाद दिल्ली से पटना लौट के आए थे, पटना एयरपोर्ट पर वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुन लिया है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। सबसे पहले धन्यवाद।